मालूम तो है क्या कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरी वन ओके सो दिस इज लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बट जो लोग ट्वेल्थ जून से ज्वाइन कर रहे हैं आज जिनका डे नंबर वन है उनके लिए दिस इज लेक्चर नंबर वन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इवन दो लेक्चर नंबर सिक्स ओवरऑल लेक्चर नंबर वन फॉर देम जो भी ये पांच लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है वो इजीली कवर हो सकता है मैं आपको वापस भी सिखा सकता हूं समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर हम ये कंप्लीट करके ही आगे जाएंगे हमें कुछ पोस्टपोन नहीं करना है बाद में नहीं करना है तो ये पांचों लेक्चर जो इसके पहले हो चुके हैं वो यूट्यूब पर अपलोडेड है बच्चों वो कहाँ पर अपलोडेड है यूट्यूब पे अपलोडेड है लेक्चर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव आपको प्ले मिल जाएगा प्रॉपर स्वप्निल पटनी यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा बारह जून है बराबर है ना उसमें भी सैटरडे संडे छुट्टी था तो पांच लेक्चर हो चुके हैं जो लोग आपके आजू बाजू में बैठे राइट वो बता सकते हैं आपको एंड फर्स्ट चैप्टर ही चालू किया था हमने बेसिक चैप्टर ठीक है तो जो लोगों ने 12 जून से ज्वाइन किया है आज जिनका फर्स्ट डे है बिल्कुल भी डरो मत कोई घबराने की जरूरत नहीं है ओके एवरीथिंग विल बी एट प्लेस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सिर्फ दो तीन दिन में यू विल बी अस नेक्स्ट चैप्टर चालू होते ही समझ रहा है ना वैसे भी कोई नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सब बीट जैसे अभी समझो अपना प्रपोर्शन चल रहा है प्रपोर्शन के बाद में लॉगरी तुम स्टार्ट करने के बाद वो तो सबके लिए ही नया है सबके लिए ही पहली बार ही है ना वो तो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझ में आ रहा है क्या बच्चों तो आप अगर अगर आपको लगता है थोड़ा सा कंफर्ट और चाहिए तो आप आज के लेक्चर सब खत्म होने के बाद में मैथ्स का यूट्यूब का लेक्चर नंबर वन अटेंड कर लेना ताकि आपको सिलेबस के बारे में सब के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी कितने चैप्टर्स है एंड क्या मैं किसके लिए बात कर रहा हूं ये जो लोगों ने आज से ज्वाइन किया है समझ रहा है बच्चों जो लोगों ने ट्वेल्थ जून से ज्वाइन किया है उनके लिए नो no डाउट थोड़ा अकाउंट्स का इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा राइट ज्यादा सिलेबस हुआ रहेगा तो वो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे इस बैच के साथ आपको बराबर है ना सब कुछ पढ़ाया जाएगा ये बैच में ऑब्वियसली दिस इज न्यू बैच कंप्लीटली तो तुम्हारे लिए सिलेबस कंप्लीट करना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बारह जून बैच के लिए भी समझता है क्या बटो कैसे बट मैथ्स में अब ये एडवांटेज ये है कि अपना बैच ही अभी चालू हुआ है कुछ दिन पहले समझ रहा है क्या आपको ये एडवांटेज विथ मैथमेटिक्स इज अपना बैच ही मैथ्स का ओके okay, पांच जून को चालू हो चुका है समझ रहा है क्या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों ठीक है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टूडे इट सेल्फ जो लोगों का डे नंबर वन है बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल रह के आप लेक्चर अटेंड करो ओके आज आपके पास एक नोटबुक तो रहेगा कम से कम वो नोटबुक में लिखना चालू करो जो भी मैं आज सिखा रहा हूं समझ रहा है क्या एंड या मे बी एक कितना पेजेस हुआ है बाकी लोगों का कितना पेजेस आपने लिखा है अभी तक बताओ एक अराउंड कितना ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ब्लैंक छोड़ दो तो लगे तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पेजेस ब्लैंक के उसके आगे लिखो मतलब अभी तक जो कंप्लीट हुआ है वो आप वहां पे लिख पाओगे बाद में ओके अगर आप यूट्यूब पे करोगे तो वैसे अभी हाथों हाथ कंप्लीट हो जाएगा वो नहीं तो बाद में होगा ही वैसे ही अरे अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जैसे ही दो दो घंटे के पांच लेक्चर अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है करेक्ट है या नहीं है आप अगर चाहते हो कि चलो सर हमें कुछ भी पार्ट छोड़ के आ, आगे नहीं जाना है तो आप राइट right, ये लेक्चर्स कंटिन्यू करो साथ साथ में जो क्लास में चल रहे एंड इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर दो पांच यू विल कम एट पार माई फ्रेंड्स फिर भी नहीं करना है मैं आपको वो आगे का कैसे कवर करना है वो बताई दूंगा चलेगा बच्चों यस yes, चलो फिर वी विल कंटिन्यू हो सकता है कुछ लोग जो आ, अभी मेरे सामने यहाँ पे ऑफलाइन मोड में है ओके और उनको मैंने वो कल उनको लगा था कि आज लेक्चर नहीं है ओके या ऐसा मैसेज करेक्ट इंटरप्रेट किया था तो आज आप किसी भी नोटबुक में लिखो अगर आपका नोटबुक नहीं है तो बाकी घर जाके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देना चलेगा ना हम राइट कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप फिर चलेगा बच्चो राइट right, बट नोटबुक अपना कंप्लीट चाहिए बच्चों किसी भी हालत में नोटबुक कंप्लीट चाहिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं राइट क्योंकि अभी वैसे भी ट्वेल्व ओ क्लॉक आनंद सर का लेक्चर है एंड ऑल मैं जानता हूं दिस बट राइट बट अभी मैराथन लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है राइट जो जून ट्वेंटी थ्री बच्चों के लिए तो अभी अपना फुल फ्लेजेड अपन लेक्चर स्टार्ट कर देंगे अभी चलेगा ना बच्चों आई होप जो लोग पांच तारीख से है राइट मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं पांच लेक्चर कर चुके हैं नाउ दे आर क्वाइट कंफर्टेबल ओके okay. जो लोग ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंड कर रहे व्हाट एवर इज द केस राइट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा इनफैक्ट यहां पे हमने स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया है जो लोगों ने ऑनलाइन ऑप्ट किया है बी बी लाइव स्ट्रीम इट इज ओके आपको भी आपके घर पे नोट्स मिल जाएंगे मैथ्स में आपको ये चार बुक्स मिलने वाले बच्चों ये मैथ्स में ये आपके चार बुक है बुक नंबर वन टू थ्री फोर जो भी कुछ है ये चार बुक्स है उसमें ये सबसे पहला बुक है अपना इसका नाम है डी 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 मतलब क्या डेली

एटी तो तीन हजार अस्सी इसमें है एंड इसमें दो हजार मतलब फाइव थाउजेंड एट्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें जिसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है सॉल्व करके नहीं है नहीं बट ए बी सी डी क्या आंसर है ये आपको यहां पे साथ में दिया हुआ है बच्चों राइट इसी बुक में मैंने आपको वो कुछ क्वेश्चन रफ करने के लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है जैसे आप देखते हो हर जगह पे जहां पे भी आंसर दिया मैंने उसके नीचे का स्पेस ब्लैंक है तो ये ब्लैंक स्पेस यू कैन यूज फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ दैट समझ में आ रहा है क्या ओके आपको लगेगा सर सिर्फ एमसीक्यू दे रहे हो क्या ये तो दो बुक है ओके उसके बाद में और दो बुक है उसमें अब ये दो बुक सेम ही है बट इसमें आप मैंने कंसेप्ट किया है जो अपन स्कूल में यूज करते हैं एक बुक में मैंने पूरा भर के दिया हुआ है जो कलर नोट से आप देख रहे हो ओके तो यहां पे मैंने क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व करके दिया हुआ है ये 380 पेज के नोट से मच, बचो, and से एंड इसमें ये अगर आप मास्टराइज कर दिए अपना बैच एंड होने तक अपना टारगेट ये है कि सर इसमें से कोई भी वराइटी का क्वेश्चन आने दो हम सॉल्व कर सकते हैं आपके नाइनटी मार्क्स गारंटेड है बच्चों कितना नाइनटी और मोर मार्क्स प्रोवाइडेड दो चार आप कुछ तो कैलकुलेशन

सिर्फ क्वेश्चन दिया है आंसर के लिए स्पेस छोड़ा है आंसर के लिए स्पेस छोड़ा है तो आपको ये खुद कंप्लीट करना है फिर समझ रहा है क्या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आया आपके पास दूसरा बुक है, है ही समझ समझता है ही आर यू गेटिंग दिस एंड इन स्पाइट ऑफ दैट मैं यहां पे हूं कौन से नोट्स कब रेफर करना है कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है कौन से डीडी कब सॉल्व करना है मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा समझा बच्चों अच्छा ये डेली डोज में ना जो क्वेश्चंस दिए ना बच्चों मैंने आपको पांच हजार से ज्यादा एमसीक्यू बोला है कि नहीं मैंने इसको कोशिश की है कि इसमें आपको राइट ऐसे चैप्टर वाइज डायरेक्ट ये चैप्टर के एमसीक्यू ऐसे समझे नहीं भले ही बहुत जगह पे आपको मिलेंगे कि बीसी बी बीस के बीस क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के है बीस के बीस क्वेश्चन एपीजीपी के ऐसा दिखेगा बट कई सारे डीडीज मैंने मिक्स भी किए हुए समझा ना जिसमें दो चैप्टर के क्वेश्चन है तीन चैप्टर के क्वेश्चन है ताकि क्या हो जाता है अपने तीनों चैप्टर हो चुके हैं समझो समझो हमने क्लास में तीन चैप्टर कंप्लीट किए मैं आपको बताऊंगा कि चलो भाई ये डीडी सॉल्व करो तो उसमें से तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा कि नहीं क्या होता है कभी कभी हम लोग प... आगे जब चले जाते हैं वो पहले का भूलना चालू कर देते इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम आवर माइंड ऑन फीफो मेथड बराबर है कि नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन रेशियो प्रोपोर्शन आउट एपीजीपी इन बराबर है कि नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी आउट परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन है कि नहीं बाकी सब आउट करेक्ट है नहीं, नहीं तो बाकी और एक एड, एक था था कोई दूसरा रियल का एमसीक्यू <laughs> कवर हो जाए इसी टाइप का दिया हुआ है तो देखो बच्चों ये चार बुक मतलब 1500 से भी ज्यादा पेज के नोट्स आपके पास है 5000 से ज्यादा एमसीक्यू विथ आंसर आपके पास है बच्चों समझ में आ रहा है क्या एंड ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले समझ में आ रहा है कि आपको टिल द एंड ऑफ द बैच तो मैं आपको जब नवंबर दिसंबर जब भी आपका एग्जाम होगा उसके पहले मैं मैथ्स का आपको एक्सपर्ट बना दूंगा ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों आपका काम है क्लास रेगुलरली अटेंड करना करेक्ट है बाकी मेरा काम है विदाउट एनी जजमेंट विदाउट एनी एनी प्रिजुडिस इन योर माइंड यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स चलेगा बच्चों जो लोग 12 जून को अभी ज्वाइन किए आपको भी थोड़ा थोड़े ही टाइम पे आपको कंफर्ट आ जाएगा बच्चों समझ में आ रहा है क्या मैं कुछ मैथ्स मतलब ऐसा कुछ नहीं लेने वाला अभी आज की बिल्कुल बिल्कुल आपको दिमाग में जाने ही नहीं वाला है इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल मैं प्रपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो अपन स्कूल से पढ़ते आ रहे आप समझ रहे हो क्या बच्चों जैसे मैंने लेक्चर नंबर वन में बताया था कि वी विल टीच इन दस क्लासरूम एज इफ यू आर नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स इन इलेवन स्टैंडर्ड एंड टेंथ स्टैंडर्ड उसी टाइम एंड जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको तो समझा ही होगा कि हम लोग बेसिक से सीखते सब कुछ आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स तो एवरीथिंग विल बी टॉट राइट फ्रॉम द बेसिक्स डोंट वरी एट ऑल माई फ्रेंड्स चलो फिर कंटिन्यू करें हम लोग इसके पहले हम लोग प्रपोर्शन का कुछ कंसेप्ट सीख रहे थे एंड ये जो भी क्लास में हम लोग नोट्स बनाएंगे इसका कॉपी भी आपको मिल जाएगा इसकी इनफैक्ट जरूरत भी नहीं रहेगी आपके पास पूरे हैंड रिटर नोट्स है बच्चों आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट यस और नो एंड सब कुछ हमें क्लास में कंप्लीट करना रहता है आपके पास नोटबुक होना जरूरी है जो लोग आज से लेक्चर अटेंड करना चालू किए मैं उनको स्ट्रांग एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप पहला लेक्चर यूट्यूब का जरूर देखना आज कौन सा लेक्चर है पहला लेक्चर ताकि आपको एटलीस्ट कौन से चैप्टर है क्या है मैथ्स क्या है स्टैट क्या है एल क्या है वो समझेगा चलेगा बच्चों तो जो लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, प्लीज याद रखो एटलीस्ट यू हैव टू अटेंड बोलो फर्स्ट लेक्चर टुडे उतना देख लेना आप शाम को देख लेना राइट दो घंटे के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा समझ में आ रहा है बच्चों ये तो चलो फिर चल भी कंटिन्यू माय फ्रेंड्स स yes. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ रहे थे व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन एंड व्हेन फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताओ मुझे कब होता है प्रपोर्शन में बोलो वेन रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन बट वेन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलो वेन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म ऐसा रहा तो क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन माई फ्रेंड्स याद रहेगा बच्चो So, can I say when four quantities are in continued proportion, when four quantities are in continued proportion, they are in proportion also. They are in proportion also. But when four quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. It is not necessary that they are in continued proportion. I hope you are getting this. कुछ याद रहेगा बच्चों ये प्रोपोर्शन कंटिन्यू प्रोपोर्शन याद है क्या आपको ये, ये। तो चलो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप लोग चलेगा क्या बच्चों एक बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं मैं आपको फोर क्वांटिटीज दूंगा क्या दूंगा मैं फोर क्वांटिटीज दूंगा आपको ध्यान है क्या सबको सबका ध्यान है इधर मैं आपको फोर क्वांटिटीज दूंगा एंड आप मुझे सिर्फ दो क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे ध्यान दे रहे हो आप वेदर क्वांटिटीज आर इन वेदर क्वांटिटीज आर इन वेदर क्वांटिटीज आर इन पहला क्वेश्चन प्रपोर्शन दूसरा क्वेश्चन वेदर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आपका आंसर येस और नो के फॉर्म में होगा चलेगा बच्चों आपका आंसर किस फॉर्म में होगा और नो में मैं फोर क्वांटिटीज आपको दूंगा एंड उसके सामने आप दो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन वेदर फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन करेंगे बोचो टेबल कंप्लीट हम लोग Whether four quantities are in proportion, whether four quantities are in continued proportion. तो आपने को ye दो क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों चलेगा Okay। चलो पहला है 8, 12, 18, ट्वेंटी सेवन एट ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी सेवन बोलो वेदर दीज आर इन प्रपोर्शन वेदर दीज आर इन प्रपोर्शन सोच के बताओ वट इज of फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म टू इज टू थ्री सेकंड इज टू थर्ड टू इज टू थ्री सिंपले टू इज थ्री है थर्ड इज टू फोर्थ टू इज थ्री सब सेम है yeah. तो आर दे इन प्रपोर्शन यस आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन यस दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ऑल्सो यस अच्छा ये सेंटेंस आपको याद है क्या इफ क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन में तो रहता ही है क्वानिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन में तो रहता ही है बट इफ दे आर इन प्रपोर्शन इट इज नॉट नेपोर्शन बट इफ दे आर इन प्रपोर्शन इट इज नॉट नेपोर्शन समझ में आ रहा है तो मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन का आंसर यस आया तो प्रपोर्शन में है क्या उसका आंसर तो यस रहता ही है बट अगर प्रपोर्शन वाले का आंसर यस आया तो अगला नो भी रह सकता है नहीं समझा आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यस आया तो अगला नो भी रह सकता है जैसे कि अब बताओ हंड्रेड कॉमा टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड कॉमा वन थाउजेंड टेलमी आर दिन प्रपोर्शन इज टू टू बट देखो सेकंड इज टू थर्ड का रेशियो वन इज टू टू नहीं है तो आर दे इन प्रोपोर्शन यस आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नो तो देखो बच्चों आज जो ज्वाइन किए उनको भी समझ सकता है ऐसा कोई बहुत ग्रेट काम है क्या ये प्रपोर्शन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझ रहा है आपको ये ओके yes. okay, देखो हमारे अठारह चैप्टर से टोटल उसमें से पहला चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडा तो सेवनटीन चैप्टर अभी तक है पहला चैप्टर का पहले पार्ट में हम लोग यस yes no? yes. और नो रेशो एंड प्रोपोर्शन पहले दूसरे पार्ट में अभी तक है हम लोग दिस इज अ लेक्चर इन टोटल दिस इज अ लेक्चर एंड हमारा स्पीड बहुत स्लो है आप भी जानते हो यस और नो चलो फिर नेक्स्ट ए कॉमा ए बी कॉमा एमा ए बी सी मी आर दे इन प्रोपोर्शन आर दे इन प्रपोर्शन वट इज ऑफ़ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म वन इज टू बी ए कैंसिल होगा ना यार वन इज टू बी वट इज अश ऑफ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म वन इज टू सी वन इज टू सी ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा वट इज अफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म वन इज टू डी ये तो तीनों आंसर अलग अलग है आर द इन प्रपोर्शन नो आर दिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन नो सवाल इन उठता प्रपोर्शन कंटिन्यू प्रपोर्शन का यस और नो नेक्स्ट वन थ्री फाइव सेवन आर द इन प्रपोर्शन आर द इन प्रपोर्शन वॉट इज द रेशो फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म वन इज टू थ्री सेकंड टू थर्ड थ्री इज टू फाइव थर्ड टू फोर्थ फाइव इज टू सेवन ये तीनों रेशो अलग अलग है तो आर द इन प्रपोर्शन नो आर दिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन नो आई होप यू आर गेटिंग दिस नेक्स्ट एटीन कॉमा ट्वेंटी कॉमा नाइनटी कॉमा हंड्रेड टेलमी आर दे इन प्रपोर्शन आर दे इन प्रपोर्शन यस वॉट इज द रेश फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म नाइन इज टू टेन वेरी गुड थर्ड इज टू फोर्थ टर्म नाइन इज टू टेन बट सेकंड इज टू थर्ड नाइन इज टू टेन है क्या नहीं है तो वो प्रपोर्शन में है बट कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है कंटिन्यू प्रपोर्शन में नहीं है डू यू एग्री नेक्स्ट फाइव टेन ट्वेंटी फोर्टी मी आर दे इन प्रपोर्शन आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन यस दे आर इन प्रपोर्शन एज वेल एज इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन एज वेल एज इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन याद रहेगा क्या बच्चों नेक्स्ट ओके ट्वेंटी टू फोर्टी फोर चलो बोलो आर दे इन प्रपोर्शन आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन नो दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन समझ में आ रहा है सबको ये नेक्स्ट ए कॉमा ए एक्स कॉमा ए एक्स स्क्वे कॉमा ए एक्स क्यूब टेलमी वॉट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म वन इज टू एक्स ए ए तो कैंसिल हो गया ना बेटा वन इज टू एक्स सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म न इज टू एक्स ए एक्स ए एक्स कैंसिल हुआ वॉट इज द ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म ए इज टू हाँ बोलो ए एक्स स्क्स क्यूब तो एक्स स्क्सल हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ऑल्सो समझा क्या नेक्स्ट के क्यूब के का पावर फाइव एंड के का पावर सेवन आर दे इन प्रपोर्शन are they in proportion yes. yes are they in continued proportion yes. yes what is the ratio of first term to second term 1 is to k square second term to third term 1 is to k square third term to fourth term 1 is to k square that means all these terms all these ratios are same so they are in proportion as well as continued proportion proportion as well as continued proportion a comma ax b मा बी एक्स टेलमी आर दे इन प्रपोर्शन आर दे इन प्रपोर्शन येस वॉट इज द रेशो फर्स टू सेकंड टर्म वन इज टू एक्स थर्ड इज टू फोर्थ वन इज टू एक्स बट सेकंड इज टू थर्ड का रेशो कुछ अलग ही है A x is to b, ये तो अलग है. तो पहला क्वेश्चन था आर दे इन प्रोपोर्शन का आंसर क्या है यस आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नो अब बताओ बच्चों प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है yes. चलो मुझे वापस बताओ व्हेन पी क्यू आर एस आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन आंसर दो वेन पी इज टू क्यू इज इक्वल टू आर इज टू एस पी क्यू आर एस आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन वेन पी क्यू आर एस आर सेड टू बी इन कंटीन्यूड प्रपोर्शन बोलो वेन पी इज टू क्यू इज इक्वल टू क्यू इज टू आर इज इक्वल टू आर इज टू एस दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन तो चलो मैं एक सेंटेंस लिख के देता हूं आपको और थोड़ा क्लैरिटी के लिए राइट ऑन पी क्यू आर एस आर सेड टू बी इन पी क्यू आर एस आर सेट टू बी इन लिख रहे थे बच्चों आर सेट टू बी इन पी क्यू आर एस आर सेट टू बी इन करके मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं देख रहे हो आप पी क्यू आर एस आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन पी क्यू आर एस आर सेट टू बी इन बोलो प्रपोर्शन कब बोलो इफ बोलो आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन बोलो इफ P is to Q is equal to R is to S. Do you agree, my friends? They are said to be in proportion. And PQRS are said to be in, bolo, continued proportion. PQRS are said to be in, bolo, continued proportion. If, bolo, my boy, P is to Q is equal to Q is to R is equal to RS to S. I hope you are understanding this. वैन फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन दे आर इन प्रपोर्शन अल्सो डू यू एग्री एंड वेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन मेरे ख्याल से कंसेप्ट बहुत क्लियर है अभी ये यस तो फोर क्वांटिटीज के केस में प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मीनिंग समझा के आपको फोर yeah. क्वांटिटीज के, के केस में समझा के बेटा प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोले बेटा लेके आओ जाओ ओके प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन समझा क्या आपको ये ओके okay. अच्छा अभी नेक्स्ट लिखो राइट ऑन वैन वैन गई है, बाहर गई है बुक लेके वापस आएगी हाँ? <laughs> चलेगा लड़की बाहर गई है उसका कुछ तो बुक कहीं तो भूल गई है वो वापस लेके आएगी ठीक है किसी को कुछ प्रॉब्लम वेरी गुड ठेके कुछ कुछ लोग देख रहे हो बाप रे बाहर गई अब आएगी कि नहीं कैसे होगा नहीं आएगी तो देखो आप भी गई ठीक है अभी थोड़ा मन को शांति मिल गई ठीक है लिखो अभी है कि नहीं अपना अपने को कोई लेना देना नहीं है फिर भी अपने को चिंता जरूर रहती है 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 कि नहीं बराबर ना ह्यूमिनिटी रहेगी ना तुम्हारे वो ह्यूमैनिटी के बेस पे रहेगा ना है कि नहीं अदरवाइज कोई चिंता नहीं है ना ओनली ह्यूमैनिटी ग्राउंड है ना और कुछ भी नहीं है ना नहीं पक्का यस ओके चलो करे कंटिन्यू कैसे मतलब देखो ना लोग कैसे रहते हैं ओके okay. समझो एक लड़की इधर से एंटर कर रही है और सम मैं मैं इधर हूँ बॉय इधर लड़का सामने है अब मैं अब लड़के आइडियली लड़, लड़का इधर देखना चाहिए ना पहले तो, अच्छा दरवाज़ा खुल गया इसलिए नजर गई नेचुरल है किसी के साथ भी हो सकता है बराबर है कि नहीं उधर देखेगा तुरंत उसने एक सेकंड में इधर आना चाहिए ना वापस बराबर है कि नहीं तो पहले उधर देखता है फिर लड़की ऐसे सामने से जा रही है इधर तक तब तक देखता है है कि नहीं अच्छा ये, ये इसके बीच में मैं भी आया बीच में बट देखा नहीं बिल्कुल भी है कि नहीं मतलब इधर जाते लड़की मेरे सामने से पास हो गए ना तब मैं भी था ना बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं देखा है कि नहीं ऐसे ऐसे है कि नहीं फिर बैठ गए फिर अब बैठ गए है के नहीं? फिर नहीं? कुछ लोगों को तो मतलब आंखों में वो स्कैनर ही रहता है, है बराबर कि नहीं ऐसा मतलब तुरंत वो ऐसा डायमेंशन ही आते रहेंगे टिक 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 वन गर्ल फाउंड वन 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 ऑब्जेक्ट फाउंड है कि नहीं फाइव फीट फाइव फिट सेवन कि नहीं ऐसा ऑटोमेटिक आखिर मेजरमेंट करती रहेगी कुछ लोग है कि नहीं पता नहीं और क्या क्या मेजरमेंट करते चलो ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे राइट ऑन वेन ए बी सी आर सेड टू बी इन वेन एबीसीआर सेड टू बी इन प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन वेन एबीसीआर से इन प्रपोर्शन और क्या क्वेश्चन है बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन वेन एबीसीआर सेड टू बी इन प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन ध्यान है बच्चों सबका ओके सब, yes. okay. सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहां पर इफ एज टू बी इज इक्वल टू बीज टू सी इफ एज टू बी इज इक्वल टू बोलो क्या है बी इज टू सी इसका मतलब फर्स्ट टर्म टू तो सेकंड टर्म का रेशो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का रेशो सेम है देन, देन, A, B, C, are said to be. अच्छा बताओ प्रपोर्शन या कंटिन्यू प्रपोर्शन प्रपोर्शन या कंटिन्यू प्रपोर्शन तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं तीन टर्म के केस में प्रपोर्शन मीन्स कंटिन्यूड प्रपोर्शन कोई फर्क ही नहीं इसमें समझाया नहीं तीन टर्म के केस में प्रपोर्शन में है मतलब ही वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है मतलब ही वो प्रपोर्शन में बट चार टर्म के केस में ऐसा था क्या नहीं चार टर्म के केस में कोई टर्म्स ऐसे भी रहते थे कि वो प्रपोर्शन में है बट कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है अगर a:b एंड c:d सेम है तो वो प्रपोर्शन में था बट साथ साथ में अगर इट इज इक्वल टू बीज टू सी एल्सो तो वो क्या आता है बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन बट तीन टर्म के केस में ऐसा कोई सीन नहीं है वो प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मीनिंग इज वन एंड द सेम तो ए इज़ टू बी इज इक्वल टू बीज टू सी समझा क्या आपको देन एबीसीआर से बी सी आर सेट टू बी इन बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन यस और नो एंड और क्या बोलो प्रपोर्शन कंटिन्यू प्रपोर्शन में भी बोल सकते हैं या बोलो क्या बोल सकते हैं प्रपोर्शन में है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कंटिन्यू सॉ कंटिन्यू प्रपोर्शन यहां पे और लिखता हूं और प्रपोर्शन में है ऐसा भी लिख सकते हैं अच्छा मैं सिर्फ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इसको मैं दैट इज ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी ऐसे क्या तो चलेगा क्या दैट इज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी चलेगा क्या बताओ yes. चलेगा

बोलो फर्स्ट टर्म टू सेकंड इज इक्वल टू रेशर्म टू थर्ड टर्म थ्री क्वांटिटीटन थ्री क्वांटिटीज प्रशन समझा क्या पक्का बच्चों राइट ऑन इफ रेशो ऑफ इफ रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू बोलो रेशो ऑफ बोलो सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म सेकंड टर्म टू बोलो थर्ड टर्म इफ रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेश ऑफ सेकंड टू थर्ड टर्म देन बोलो मेरे भाई देन थ्री क्वांटिटीज थ्री क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन थ्री क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन तो इफ रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू ऑफ़ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म थ्री क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन समझा क्या बच्चों ये इजी था कि नहीं अभी तक ये सब तो तीन क्वांटिटीज कब प्रोपोर्शन में है चार क्वांटिटीज कब प्रोपोर्शन में है कब कंटिन्यू प्रपोर्शन में है समझा क्या आपको ये ओके okay? क्वांटिटीज और एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों क्वांटिटीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आर से आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आर सेड टू बी इन बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन कब इफ आप ही बताओ मुझे टू बी इज इक्वल टू बीज टू सी इज इक्वल टू सी टू डी आगे समझाइए आपको करो कंप्लीट समझा के आपको ये इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू ईजू जी इज इक्वल टू जी टू एच ऐसा रहा तो क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आई होप यू अंडरस्टूड माई फ्रेंड्स वेन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन वेन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्लियर है क्या एंड जब सात आठ टर्म रहा तो दे विल टॉक ओनली अबाउट कंटिन्यूड प्रपोर्शन टॉक ओनली अबाउट कंटिन्यूड प्रपोर्शन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस यहां तक एकदम क्लैरिटी है जो लोग जिंदगी में पहली बार मेरा कोई इलेक्शन अटेंड कर रहा है उसको भी समझना चाहिए क्या है? समझना चाहिए कि नहीं आप बताओ मुझे वेन क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन इज दट क्लियर जो लोग उनको आज ट्वेल्थ जून आज आप मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है आज 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 कौन सा इंस्ट्रक्शन आप आप कल का लेक्चर मेरा अटेंड करने के पहले आप आज क्या देखोगे फर्स्ट लेक्चर देखोगे उतना ही समझ रहा है क्या फर्स्ट लेक्चर देख लोगे आपको ऑटोमेटिक कंफर्ट आ जाएगा बच्चों समझा क्या फर्स्ट लेक्चर कहां मिलेगा वो यूट्यूब पे स्वप्निल पटनी यूट्यूब चैनल पे फिफ्त जून लेक्चर नंबर वन बाय विनोद रेड्डी ऐसा सर्च करने का समझता है क्या आपको मिल जाएगा उससे जस्ट मेरा पर्पज उसका इतना है कि आपको चैप्टर के नाम वगैरह अच्छे से समझे अपना क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है थ्रू आउट द बैच वो समझने के लिए समझ रहा है क्या अदरवाइज ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिखाने के लिए वो समझाने के लिए आपको मुझे कोई फर्स्ट लेक्चर की जरूरत नहीं है चलो यहां तक क्लैरिटी है बच्चों ओके और एक छोटा सा टेबल हम कंप्लीट करेंगे ध्यान दे रहे हो आप लोग मैं यहां पर क्वांटिटीज दूंगा आपको कुछ क्या दूंगा एंड मैं बता रहा हूं कि दीज क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन ये मैं क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन ऐसे बता रहा हूं ध्यान दे रहे हो क्या दीज क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन एंड अगर ये क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है बच्चों तो यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के एक मिसिंग वैल्यू रहेगा के का वो आप फाइंड करोगे चलेगा क्या चलेगा क्या यू हैव टू फाइंड आउट वन मिसिंग वैल्यू ऑफ के क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन अच्छा क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है ऐसे पूछ रहा हूं या मैं बता रहा हूं yes. मैं बता रहा हूं कि भाई ये क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है एंड यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के करोगे बच्चों इतना कंप्लीट करोगे कंफर्टेबली करोगे या टेंशन रहेगा ए बी थर्टीन के अच्छा बताओ ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है ऐसे बोल रहा है बच्चों तो अगर वो ऐसा बोल रहा है तो क्या ना इसे ए के मस्ट बी इक्वल टू थर्टीन बी कैसे बताओ ए के मस्ट भी इक्वल टू थर्टीन बी अच्छा सुनो ध्यान से थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। अगर ये क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो ए बाय बी मस्ट बी इक्वल टू थर्टीन बाय के डू यू एग्री फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म सही है बच्चों। अब बताओ बच्चो क्या नए से ए के इज इक्वल टू थर्टीन बी डू यू एग्री ए के इज इक्वल टू थर्टीन बी डू एग्री तो ए के ये क्या है बताओ बच्चो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स थर्टीन बी ये क्या है बोलो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन व्हेन बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देर फोर के इज इक्वल टू क्या है आप ही बताओ थर्टीन बी डिवाइडेड बाय ए के इज इक्वल टू आंसर है थर्टीन बी डिवाइडेड बाय ए इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स समझा क्या सबको ये नेक्स्ट टू ए थ्री बी एट के कौम हंड्रेड करोगे मुझे फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के दिस फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के यस बच्चो दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के यस चलो बोलो मुझे बताओ वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू हंड्रेड ए वट इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बोलो ट्वेंटी फोर बी के ट्वेंटी फोर बी के तो बोलो के का वैल्यू क्या रहेगा जल्दी बताओ टू हंड्रेड ए डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर बी डू यू एग्री माई फ्रेंड्स दोनों को फोर से डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो या एक काम करो एट से डिवाइड करो तो क्या आता है बोलो एट से डिवाइड किया तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ए डिवाइडेड बाय थ्री बी ट्वेंटी फाइव ए डिवाइडेड बाय थ्री बी अरे कुछ नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ट्वेंटी फाइव किससे डिवाइड किया एट से समझा क्या आपको ये तो फोर क्वांटिटीज प्रपोर्शन में थे एंड यू हैव टू फाइंड आउट वन मिसिंग वैल्यू आई होप एवरी वन इज गेटिंग दिस पक्का नेक्स्ट एटीन ट्वेंटी 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 करोगे सॉल्व मैं आपको चार क्वांटिटीज दे रहा हूं एंड यू हैव चार तीन जितने भी क्वांटिटीज है एंड वो प्रपोर्शन में है ऐसे मैंने बताया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ के टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ के यस बच्चो यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ के यस वेरी गुड जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे मेरे भाई सब लोग आंसर दिया करो राइट थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो ओके जो लोग भी आंसर दे रहे यस आयान प्रीवियस आंसर करेक्ट है ध्रु हर्षित आंसर दिया करो मेरे भाई बाकी जो चैटिंग चा, है बातें बाद में हो सकती है ठीक है yes. यस आ गए क्या इसका आंसर yes. चलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है माइनस फिफ्टी फोर के इज इट इक्वल टू फाइव हंड्रेड माई फ्रेंड्स तो के इज इक्वल टू बोलो फाइव हंड्रेड बाय माइनस फिफ्टी फोर तो कहना आई इसका आंसर इज बोलो माइनस टू फिफ्टी बाय ट्वेंटी सेवन टू फिफ्टी बाय ट्वेंटी सेवन अब माइनस साइन न्यूमरेटर में लिखो डिनोमेटर में लिखो क्या फर्क पड़ता है सेम इज इट माइनस टू फिफ्टी बाय ट्वेंटी सेवन इज द वैल्यू ऑफ के माय फ्रेंड्स माइनस टू फिफ्टी बाय ट्वेंटी सेवन इज दैट क्लियर नेक्स्ट फाइव ट्वेल्व ओके फिफ्टीन एंड एट के फिफ्टीन एंड एट के ये सॉल्व करके यू टू के फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन यू हैव टू टेलमी द वैल्यू ऑफ के दिज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ के बोलो बच्चो यस व प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फोर्टी के इज इकल टू ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन तो ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन कितना आता है बच्चो वन एटी वन एटी डिवाइडेड बाय फोर्टी वन एटी डिवाइडेड बाय फोर्टी का क्या आंसर है नाइन बाय टू और यू न से फोर पॉइंट फाइव जीरो इज एंसर नाइन बाई टू दैट इज फोर पॉइंट फाइव जीरो इज एंसर है माइनस टू के एट बाई थ्री सेवन बाय थर्टी थ्री दीज आर फोर क्वांटिटीज इन प्रपोर्शन एंड यू यूर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के हो जाएगा बच्चों सॉल्व हो जाएगा क्या चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में रहा तो वी टेक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस यस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स चलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आएगा बच्चों बोलो थर्टी फाइव एम बाय थर्टी थ्री ऐसा आ रहा है क्या एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ रहा है बताओ माइनस सिक्सटीन के डिवाइडेड बाई थ्री यहां तक समझे क्या माइनस सिक्सटीन के डिवाइड बाई थ्री यहां तक समझे क्या yes. तो k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ K इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाय थर्टी थ्री इंटू माइनस थ्री बाय सिक्सटीन डू यू एग्री माई फ्रेंड्स तो ये थ्री को कट करके मैं इसको इलेवन कर सकता हूं yeah. तो क्या आंसर आएगा बोलो माइनस थर्टी फाइव बाय वन सेवनटी सिक्स वेदर दिस इज आंसर। माइनस थर्टी फाइव एम सॉरी माइनस थर्टी फाइव एम बाय वन सेवनटी सिक्स इज आंसर। माइनस थर्टी फाइव एम बाय वन सेवनटी सिक्स इज द आंसर कितने लोगों को समझा yeah. जो भी है फ्रैक्शन में वॉट एवर इट इज माइनस थर्टी फाइव एम डिवाइडी सिक्स आंसर है समझा बच्चो तो अगर आपको कुछ ऐसे चार टर्म दिए तीन टर्म दिए एंड यू टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ के हो जाता है क्या सॉल्व नेक्स्ट एटीन कॉमा के कॉमा फोर्टी पॉइंट फाइव जीरो आउट द वैल्यू ऑफ के अच्छा ये तीन ही टर्म प्रपोर्शन में है तो बोलो क्या होता है वेन आर इन प्रपोर्शन क्या होता है बोलो बी स्क्वेल टू ए सी

तो आप बता बच्चो अगर मैं आपको चार क्वांटिटीज प्रपोर्शन में जो है वो दिया या तीन क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है वो दिया तो यू कैन फाइंड आउट सम मिसिंग वैल्यूज और नॉट कभी मिसिंग के फाइन करो मिसिंग एम फाइन करो मिसिंग पी फाइन करो यू कैन मैनेज दिस और नॉट तो चार क्वांटिटीज कब प्रपोर्शन में होते कब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते तीन क्वांटिटीज कब प्रपोर्शन में होते कब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते इसमें एकदम क्लैरिटी है क्या पक्का एकदम क्लैरिटी है क्या चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आप सॉल्व करो उसके बाद में मैं भी सॉल्व करूंगा आप आपका आंसर चेक चले करो चलेगा क्या सॉल्व करोगे आप सब लोग राइट ऑन फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल टू एटीन ट्वेंटी सिक्स नाइनटी एटीन ट्वेंटी का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है 18 2690 इसका क्या मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसा कभी सुना नहीं आपने इसके पहले तो इतना कॉमन सेंस यूज करो ये समझेगा आपको फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू करो सॉल्व ऑब्वियसली मैं तो आंसर बताऊंगा ही फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू यस 130 थर्टी अरी श्योर फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल टू अच्छा मुझे बताओ अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब तीन नंबर कौन से बताओ 18, 26 एंड 90 तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल एम है फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 18, 26 एंड 90 के बाद में मैंने एम लिखा तो वो फोर टर्म शुड बी इन प्रोपोर्शन फोर टर्म शुड बी इन प्रोपोर्शन तो 18, 26, 90 एंड एम आर इन बोलो मेरे भाई प्रोपोर्शन र इन प्रपोर्शन एटीन ट्वेंटी सिक्स नाइनटी एंड एम आर इन प्रपोर्शन एंड अगर ऐसा रहा तो एम मतलब एम इज दशनल तो आप बताओ बच्चो कैन आई सी इट इज एटीन एम इज इक्वल टू ट्वेंटी कौन सा मोबाइल किया मैंने यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस वेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस तो बोलो एम इज इक्वल टू कितना आ रहा है वन थर्टी एम इक्वल टू क्या है वन थर्टी इसका मतलब हुआ फोर्थ प्रपोर्शनल क्या मतलब हुआ इसका? बोलो फोर्थ प्रपोर्शनल टू एटीन ट्वेंटी सिक्स नाइनटी इज बोलो वन थर्टी अब यहां पे आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिखता हूं एग्जाम में क्या रफ में इतना आंसर आने के बाद आप वहां पे लिखने वाले हो क्या देयर फोर्थ फोर्थ प्रपोर्शनल टू समझ रहा है क्या

ओके okay? जो लोगों को कुछ कंफ्यूजन है मैं अभी बता दूं हमारा मैथ्स पढ़ने का स्टाइल है एवरीथिंग इन नोटबुक इट समझ रहा है क्या इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको प्रिंटेड नोट्स देना नहीं चाहता देखो ये अपनी बुक का वॉल्यूम है समझ रहा है कि नहीं इससे समझता होगा कि आपने को मुझे कोई ऐसे प्रिंटेड नोट्स देने में प्रॉब्लम नहीं है आपको बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब अपना बैच कंप्लीट होगा ना बच्चों तो आप ऐसा ये बुक एंड इसके ऊपर आपके पांच नोटबुक चाहिए एंड आपने बोलने का मेरे पास इतना मैथ्स है समझ रहा है क्या इसके ऊपर आपने खुद लिखे हुए पांच फुल नोटबुक चाहिए समझता है क्या एंड फिर आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स है कि नहीं ये मार्क्स स्कोर करना नॉट सो इजी लॉट ऑफ समझ रहे ना ऐसा स्टेटस डाल देना इंस्टाग्राम पे या स्टोरी डाल देना मुझे टैग कर देना बाद में चलेगा ना समझ रहा है बच्चों लॉट ऑफ हार्ड वर्क वॉज इन्वॉल्व करेक्ट है ये चार बुक ऊपर के पांच नोटबुक एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव स्कोर्ड ओनली 88 मार्क्स ऐसा चल चलेगा क्या ओके okay, यार 12 मार्क्स वेस्टेड ऐसा करना चलेगा क्या yes. क्या एटी से खुश हो तुम yes. जो भी है वट इट इज है कि नहीं एंड देखो कुछ कुछ लोग क्या करते वो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड एक्स्ट्रा मोटिवेटेड ओ क्या बोलते yes. नहीं सर 99 भी नहीं चाहिए 100 नाइनटी नाइन इज फेल 99 नाइन इज फेल थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ क्या yes. हाँ yes. थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया yes. कॉमर्स में करेक्ट और नॉट And अगर ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता तो आईसीए जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतनी सी एज ऐसे बड़ी डिग्री पासिंग क्राइटेरिया पचास मार्क रखते हैं पासिंग क्राइटेरिया पचास मार्क के पास ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहाँ पे आईसीआई ऊपर से पास सेलेक्ट कर लेता है ऐसा तो नहीं है पासिंग क्राइटेरिया सीधा सीधा रखा है उन्होंने पचास परसेंट जो भी स्कोर करेगा उसके आगे जाएगा वो सब पास है है या नहीं है तो थोड़ा अपन रियलिस्टिक भी रहने का साथ साथ में समझता है कि नहीं वो मोटिवेशन में कभी कभी रहता है ऐसे कि भाई हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड के नीचे तो मुझे एक मार्क भी बर्दाश्त नहीं है वो मोटिवेशन में अच्छा रखता है है कि नहीं रियलिटी अलग रहती है ना या सेम ही रहती है रियालिटी सेम ही रहती है या अलग अभी सिंपल सिंपल कोई भी चीज अब जैसे कि कल का टेस्ट मैच है आपने देखा क्या अब इंडिया को 444 रन चेस करना था ओके हम सब 140 करोड़ लोगों का मन यही बोल रहा था नहीं कुछ तो यार कुछ तो होगा यार कुछ तो होगा यार है या नहीं कोहली करेगा या शर्मा कुछ तो होगा यार ओके okay, बट आज तक आज तक समझ रहा है क्या उस ग्राउंड में ग्राउंड पे किसी ने 444 चेस नहीं किया था वॉज रियलिटी तो ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट क्या था इंडिया का हारना वॉज मोर लाइकली और नॉट फिर भी अपना दिल तो यही बोल रहा था ना कहीं ना कहीं नहीं यार कुछ तो होगा समझ रहा है कि नहीं तो एग्जाम के लिए वो दिल की मत सुनना मेरे भाई समझ रहा है ना एग्जाम के लिए दिमाग से काम लेना समझ रहा है कि नहीं अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा समझता है क्या तुम दो महीना टी ट्वेंटी खेलोगे अचानक से एक टेस्ट मैच खेलोगे तो बहुत ज्यादा लाइकली है कि तुम हारने वाले हो करेक्ट और नॉट प्रिपरेशन से रिजल्ट आता है समझ रहा है कि नहीं सिर्फ ऑप्टिमिज्म से रिजल्ट नहीं आता है किससे ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म से रिजल्ट नहीं आता ऑप्टिमिज्म कुछ तो करेंगे यार हा यार होगा उससे नहीं होता ना यार प्रिपरेशन है कि नहीं? फॉर दैट रिजल्ट वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट रिजल्ट समस्या है क्या आपको है एंड जो लोग देखो ये जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मैं उनको एक फ्री का सजेशन देता हूँ आपको कुछ अभी बहुत काउंट कर ये करते तो मैं देखो तुम्हें ना बच्चों बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं इनफैक्ट बहुत सीरियस सिंसियर ऐसे बच्चे है जो चुपचाप अपना अपना लेक्चर अटेंड करते हैं सब कुछ लिख के लेते हैं ये कमेंट करने वाले जो चार आन्ने से फुकड़ के कमेंट करते रहते हैं कि नहीं इधर मैच चल रहा है ये इनका कुछ तो तीसरा चल रहा है समस्या है क्या ये लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है जिंदगी के बारे में समझ रहा है क्या बच्चे इन लोगों को कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है उनको लगता है कि ऐसे कोई फर्क पड़ रहा है अब बताओ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई समझाया नहीं तुमको क्या लगता है तुमने शाहरुख खान के इंस्टाग्राम पे एक निगेटिव कमेंट कर दिया एंड तुम्हारा कमेंट पढ़ के शाहरुख खान रोएगा yes. आपको लगता है क्या आपने बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं किया क्या खुद को यस और नो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तुम्हारे कमेंट से किसी को फर्क पड़े पहले वो लेवल बनाओ अपनी समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे कमेंट से किसी को फर्क पड़े यह पहले लेवल ये तो क्या फ्री प्लेटफॉर्म है कोई भी कुछ भी कर सकता है समझ रहा है कि नहीं वहां पे कोई फायदा नहीं है समझता है क्या पहले वो लेवल बनाओ अपनी राइट फिर आएगा मजा समझता है क्या आपको ये फिर आपको सीरियसली लिया जाएगा ये दुनिया में समझता है क्या आप कहीं समझो किसी को आप बोल रहे हो कि हाँ मैं सीए कर रहा हूं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं जरा तुम्हारा बैलेंस शीट पी एंड सब मुझे दिखाओ मैं तुम्हें थोड़ा टैक्स प्लानिंग करके देता हूं कोई इज्जत देगा आपको समझो आप किसी को बोल रहे हो एक काम करो तेरा पोर्टफोलियो दिखा मुझे मैं थोड़ा कुछ सजेशन देता हूँ कौन से शेयर्स बेचना है कौन से लेना है कब कॉल लेना है कब पुट करना है क्या करना है मैं थोड़े फ्यूचर ऑप्शन में तुझे गाइड करूंगा कोई आपको सीरियसली लेगा बट अगर आप कुछ मास्टराइज किए उसमें तो हो सकता है कि आपको सीरियस लिया जाएगा आपके एडवाइस के आपको पैसे दिए जाएंगे आपके नॉलेज को रिस्पेक्ट में एंड मनी में कन्वर्ट किया जाएगा येस और नो उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है समझता है क्या टाइम पास करके ये नहीं होता है समझता है क्या अक्सर ऐसे स्टूडेंट जो टाइम पास करते हैं करते करते समझता है क्या आपको ये वो लोग 10-12 साल के बाद आठ साल के बाद में कहीं तो लाचार स्थिति में पाए जाते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं कौन सी स्थिति में लाचार स्थिति में पाए जाते हैं कहीं तो समझता है क्या आपको ये जब उनको ऐसा कन्फेस करना रहता है बाद में कि मैं क्या मिस्टेक किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में बट वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको वो भी डेयरिंग नहीं होती है समझता है क्या आपको ये आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस मुझे याद है मैं और एक सर हम लोग एक एक जगह पे कॉफी पी रहे थे और वहां पे बैटरी का शॉप था बैक्टरी, बैक्टरी एक बैटरी बैटरी रहती है ना एक्साइड बैटरी और वहाँ पे हम लोग ऐसे ही कॉफ़ी पी के उधर घूम रहे थे तो एक बच्चा आया उधर से ओके और वो वहाँ पे वो शॉप पे काम करता था मतलब बैटरी उठा के ट्रक में डालना रहता है ये सब करना वो वाला था ओके और वो आया हम तो पहचाने नहीं, नहीं वो बोला कि सर फिर हमें लगा कि हमारा स्टूडेंट है वो बोला कि सर बहुत पहले आपका स्टूडेंट था फिर मैं बोला क्या कर रहा है भाई ये फिर वो बोला कुछ नहीं सर टाइम पास किया जिंदगी में सर तीन अटेम दिए फाउंडेशन के हो नहीं पाया कभी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं किया कुछ नहीं किया अब बट उसका जो चेहरे में जो रिग्रेट था ना बच्चो काश मैं पढ़ लेता काश मैं कुछ कर लेता वो बहुत खतरनाक चीज है बाद में वो जिंदगी और आपको खाएगी अंदर से फिर समझ रहा है कि नहीं आपको ये आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एंड जो एक आध बार वो फिजिकल कोई एक्सर्शन से या कोई प्रॉब्लम से तुम बाहर भी आ जाओगे बट वो मेंटली एक बार तुम वो स्टेज में चले गए ना तुम्हारे तुम्हें खुद को बाहर लाना बहुत डिफिकल्ट होगा समझ है क्या बच्चों है? क्योंकि वो खुद की गलतियां काश काश मैं ये करता काश मैं थोड़ा अच्छे से करता बहुत खाएगी फिर आपको ये समझ रहा है क्या आपको समझ रहा है क्या धीरे 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 आपको पूरा हो दिमक की तरह पूरा हो खा लेगा आपको समझ रहा है क्या रिग्रेट नहीं होना चाहिए मेरे भाई समझता है क्या इट डजेंट मीन इट डजेंट मीन कि हम दिन रात पढ़ाई करें इट मीन्स ओनली कि हम लोग पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें इंजॉयमेंट के समय पे इंजॉयमेंट करें इसका मतलब सिर्फ इतना होता है समझता है क्या आपको ये राइट right? अगर अपन समझो कहीं ट्रिप को जा रहे फुल इंजॉय करने का वहां पे नहीं सोचने का कि मेरा मैथ्स क्या होगा मेरा लॉ का क्या होगा समझ रहा है क्या अपन पढ़ रहे बैठ रहे बाकी नौटंकी बंद करने का सिर्फ पढ़ने का अपना दो घंटे पढ़ने का टाइम है तीन घंटे पढ़ने का टाइम है सिर्फ पढ़ने का उसके बाद में मोबाइल देखना है ना फुल मोबाइल देखो कोई सामने आया तो भी छुपाने की जरूरत नहीं होना चाहिए बिंदास देखने का बोलने क्या भाई मैं तीन घंटे पढ़ चुका हूँ सारे लेक्चर अटेंड कर चुका हूँ समझता है क्या आपको ये समझ रहा है एक शेड्यूल चाहिए तुम्हारा कुछ समझ रहा है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है कौन सी चीज कब कंप्लीट करना है समझ रहा है क्या आपको ये तो जो कर रहे हो उस उसमें भी कॉन्फिडेंट रहोगे समझता है क्या क्या आपको आपको ये okay, आपको ये ओके चलो फोर्थ प्रोपोर्शनल टू इसका आंसर समझा तो फोर्थ प्रोपोर्शनल करना है तो बोलो फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म का या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ये कंसेप्ट यूज करो यू कैन गेट फोर्थ प्रोपोर्शनल समझा क्या और एक क्वेश्चन दू क्या राइट ऑन फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू टू बाय थ्री एट बाय सेवन नाइन बाय इलेवन फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू यस बच्चो करो क्या सॉल्व फाइन फोर्थ अब जैसे मैं कभी कभी क्वेश्चन को नंबर वन टू देता हूं कभी स्टार्ट कर रहा हूं जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चो समझ रहे हैं ना आर यू गेटिंग दिस चलो बोलो फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू यस बोलो मेरे भाई फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू टू बाय थ्री एट बाय सेवन नाइन बाय इलेवन बोलो समझो फोर्थ प्रोपोर्शनल एम है तो टू बाई थ्री कॉमा एट बाय सेवन कॉमा नाइन बाई इलेवन एंड एम आर इन प्रोपोर्शन आर इन बोलो प्रोपोर्शन ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों सब लोग ये सब प्रोपोर्शन में है तो आप बताओ बच्चों क्या रहेगा क्या लू मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है बताओ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है टू एम बाय थ्री प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है बोलो सेवेंटी टू बाय सेवन 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 बाय सेवन तो एम इज इक्वल टू क्या टू बाई टू आएगा इन टू टू बाई थ्री होगा इंटू थ्री बाय टू कुछ कैंसिल होने वाला है क्या बच्चों yeah. तो ये थर्टी सिक्स कर देता हूँ चलेगा क्या थर्टी सिक्स इंटू थ्री डिवाइड बाई सेवन सेवन तो मेरे ख्याल से आंसर इज वन जीरो

राइट ऑन फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा फोर्टी फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा फोर्टी ये हो जाएगा क्या ये उससे भी आसान है फाइंड थर्ड प्रपोर्शनल समझा क्या आपको तो अगर थर्ड प्रपोर्शनल एम है तो ट्वेल्व फोर्टी एंड एम मस्ट बी इन प्रपोर्शन ट्वेल्व फोर्टी एंड एम मस्ट बी इन प्रपोर्शन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू तो थर्ड समझो ट्वेल्व फोर्टी का थर्ड प्रोपोर्शनल एम है आर इन प्रपोर्शन आर इन प्रपोर्शन तो बोलो बच्चों देर फोर फोर्टी का स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा ट्वेल्व एम फोर्टी का स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा ट्वेल्व एम डू यू एग्री तो एम इक्वल टू क्या आएगा बोलो सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व सिक्सटीन हंड्रेड डिवाइड 12, ट्वेल्व दोनों को फोर से डिवाइड करो क्या आएगा बोलो फोर हंड्रेड बाय थ्री फोर हंड्रेड बाय थ्री और इसका आंसर कैन बी वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 या ऑप्शन में वन थर्टी थ्री वन थर्ड ऐसा भी रह सकता है नहीं तो वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री लाओगे ऑप्शन में वन थर्टी थ्री वन थर्ड रहेगा आप नन ऑफ दिस टिक करके आओगे ऐसा नहीं होगा ना न थर्टी थ्री वन थर्ड वन थर्ड कैल्सिपे करो वन बाई थ्री क्या होता है वन बाई थ्री मतलब जीरो पॉइंट थ्री 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 ये और नो वन बाई थ्री मतलब जीरो पॉइंट थ्री 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 ना यार सही है yeah. तो वन थर्टी थ्री वन थर्ड इज द आंसर माय फ्रेंड्स समझा आपको ये थर्ड प्रोपोर्शनल टू ये कंसेप्ट समझा नेक्स्ट फाइंड मीन प्रपोर्शनल फाइंड मीन प्रपोर्शनल टू ट्वेल कॉमा ट्वेल्व कॉमा हंड्रेड का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा हंड्रेड एंसर दो मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या मतलब ट्वेल्व एम एंड हंड्रेड आर इन प्रोपोर्शन अच्छा एम लेना कंपलसरी है क्या उसकी जगह के लिखा तो चलता है क्या कुछ भी लिखो यार उसे क्या फर्क पड़ता है बराबर है कि नहीं ट्वेल्व कॉमा एम आर हंड्रेड ट्वेल्व एम एंड हंड्रेड आर इन प्रपोर्शन तो बोलो एम स्क्वेर इजिकल टू क्या आएगा ट्वेल्व इन टू हंड्रेड तो एम स्क्वेयर इजिकल टू ट्वेल्व हंड्रेड तो एम इज टू थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर वन अप्रोक्सीमेटली तो मीन प्रपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा हंड्रेड इज मीन प्रपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा हंड्रेड इज बोलो क्या आंसर है थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर वन मीन प्रोपोर्शनल टू ट्वेल्व कॉमा हंड्रेड इज थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर वन इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल समझा आपको ये तो चलो बताओ बच्चो अभी तक जो मैंने सिखाया प्रोपोर्शन में उतने में क्लैरिटी है वेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन वेन थ्री क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन फाइन थर्ड प्रोपोर्शनल टू फाइन मीन प्रोपोर्शनल टू इसमें क्लैरिटी है बहुत अच्छे से समझा समझाया बताओ ओके okay. अब हमें सीखना है फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन ध्यान दोगे क्या आप लोग क्या देखना है अपने को फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन तो लिखो हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हो ये स्कूल लेवल से है बट मैं यही ऐसे ही एज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आप जानते नहीं है फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन अपने को डिटेल में सीखना है अभी फ्यू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन ठीक है बच्चों ओके ध्यान दे रहे हो यहां पे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा यार yes. है कॉन्फिडेंस अब में फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन ठीक है ओके इफ ए कॉमा, कॉमा, बी, सी, कॉमा, डी, आर इन प्रोपोर्शन। अगर ए, बी, सी, डी प्रोपोर्शन में है तो देखो जो लोग वापस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं कुछ लोग बोलते सर ये आ, फिर से बताओ तो फिर से बताओ कुछ नहीं सिंपल अपने को क्या करने का थोड़ा रिवर्स कर देने का बच्चों यूट्यूब पर लेक्चर है ना यार ये तो अगर मैं एक आद सेंटेंस है समझो मैंने बोला और आपको आपको समझा नहीं हो या आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया या आपका ध्यान इधर उधर था कुछ नहीं सिंपल रिवर्स कर देने का वापस चालू कर देने का है या नहीं ओके इफ आर इन प्रपोर्शन देन हाँ बोलो क्या होता है बोलो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ऐसा होता है कि नहीं आप बताओ ये तो सबको पता है रेशो फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेश ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म प्रपोर्शन बोला मैं कंटिन्यू प्रपोर्शन नहीं बोला तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाई डी अब देखो ध्यान ध्यान दे रहे हो क्या ध्यान दे रहे हो क्या ओके okay, अब बताओ देन देन कैन आई से ध्यान दे रहे हो बच्चों अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो तो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाय सी डू यू एग्री समझा अगर ए बी सी डी प्रोपोजन मतलब दोनों का reciprocal किया, दोनों का इनवर्स लिया बट सुनो ध्यान से अभी आई एम नॉट से मुझे बताओ फाइव बाई सेवल टू टेन बाई फोर्टीन ये सही है क्या बताओ अरे फाइव सेम ही है ना तो अगर समझो मैं बोल रहा हूं कि देन सेवन बाय फाइव मस्ट बी इक्वल टू फोर्टीन बाई टेन आपको कोई प्रॉब्लम है क्या भाई बट देखो आई एम नॉट से फाइव बाय सेवन इज इक्वल टू सेवन बाय फाइव नहीं समझा इधर रेसिप्रोकल किया इधर रेसिप्रोकल किया तो ये दोनों इक्वल है फाइव बाय सेवन एंड सेवन बाय फाइव इक्वल नहीं है वो दो कैसे इक्वल होगा यार कॉमन सेंस है ना यार फाइव बाई सेवन एंड सेवन बाय फाइव का इक्वल होगा क्या नहीं इज क्लियर तो आप बताओ क्या इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी देन बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाय सी डू यू एग्री एंड इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है शायद पता रहेगा आपको क्या बोला जाता है इनवर्टेंडो क्या बोला जाता है इसको इनवर्टेंडो याद है आपको ये तो क्या है इनवर्ट बोलो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी डी ध्यान नहीं है तुम्हारा वल टू सी बाई डी देवल टू डी बाई सी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है इनवर्टेंडो एक बार बोलो मेरे साथ इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन बोलो बी बाय बी इक्वल टू डी बाई सी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है इनवर्टेंडो याद रहेगा बच्चों लिखा यहां तक आपने तो ये पहला प्रॉपर्टी था इनवर्टेंडो अच्छा हर जगह पे कॉमन क्या है ऊपर देखो इफ ए बाई बी टू सी बाई डी ये लिखा हुआ है ऊपर ही समझा क्या इफ yeah. ए d, बी सी के आगे ये सब पॉइंट्स है अभी इज दैट क्लियर मतलब हर जगह पे कॉमन क्या है बोलो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ध्यान है सबका yeah. चलो सब लोग ध्यान दे रहे हो यहां पे मुझे बताओ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ये तो हर जगह पे है ही इफ a बाई बी इज इक्वल टू बोलो सी बाई डी ये तो है ही हर जगह पे ध्यान दे रहे हो yeah. अब सुनो एन ए उधर का सी है इधर में डिनोमेटर में ले सकता हूं क्या एंड ये इधर का बी जो है वो उधर डिनोम में भेज दो yeah. नहीं समझा आपको अरे उधर का सी इधर आके डिवाइड हुआ इधर का बी राइट में जाके मल्टीप्लाई हुआ yeah. अब एक काम करो डायरेक्ट इसके बाद ये पढ़ो इफ ए बाई बी सी बाई डी देन बोलो ए बाई सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई डी समझा आपको एक मिनट ध्यान दो यहां पर मुझे बताओ फाइव बाई एट इज इक्वल टू टेन बाय सिक्सटीन है कि नहीं बताओ है यानी बताओ फाइव बाय टेन इज ऑल्सो इक्वल टू एट बाय सिक्सटीन बट देखो फाइव बाई टेन क्या, है? By अच्छा है, to क्या? By है क्या मतलब आई एम नॉट सी फाइव बाई एट इज इक्वल टू फाइव बाई टेन बॉस समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन ए बाई सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई डी बट ए बाई सी इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल रेशो ए बाई सी इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल रेशो ये क्लियर है क्या तो ये पढ़ो क्या है इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन हा बोलो ए बाई सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई डी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरनेंडो इसको क्या बोला जाता है अल्टरनेंडो ये तो आपको पता ही रहेगा ना सब कुछ नहीं क्या बोल रहे आप तो बोले थे ये पूरे चैप्टर में आपने पीएचडी करके रखा है इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है अल्टरनेंडो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरनेंडो समझा आपको ये तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान दे रहे हो सब लोग अच्छा ऊपर कॉमन वर्डिंग क्या था बोलो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी डी ध्यान दे रहे हो सब लोग तो बताओ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी मैं वापस लिख रहा हूं यहां पे बाई बीजी को क्या दिखा मैंने बोलो सी बाई डी ध्यान है सबका yeah. अच्छा एक काम करते मैं अगर ऐसे कर दिया एडिंग ए बाई बी प्लस वन इजी को आएगा बोलो सी बाई डी प्लस वन वैसे भी अब ये प्लस वन इधर आके कैंसिल हो जाएगा ये दोनों साइड सेम ही हो जाएंगे ना yeah. तो ये जो भी मैंने किया अलाउड है क्या ऑब्वियसली yeah. अलाउड है अरे दोनों साइड में वन एड कर या मैंने तो अगर मैंने समझो ये प्लस वन उधर का इधर माइनस वन कर दिया तो वन एंड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा अभी भी वो ए बाई बी टू सी बाई डी है अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या आता है बी मस्ट बी इक्वल टू बोलो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी अब एक काम करो डायरेक्टली इसके बाद में ये पढ़ो समझा के आपको ये हाँ क्या पढ़ोगे बोलो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी बट मैंने ये बोला क्या ए बाई बी एंड ए प्लस बी डी बाई बी सेम रहेगा नहीं समझा क्या आपको ए बाई बी एंड ए प्लस बी डी बाई बी अलग रहेगा बट ए प्लस बी डि किसके साथ इक्वल टू तो होगा बोलो सी प्लस डी डिवाई बाई डी से नहीं समझ रहा है नालायकों को अभी भी मंद की तरह देख रहे कुछ लोग मुझे बताओ चलो फाइव बाई एट फाइव बाई एट ध्यान दे रहे हो क्या एंड टेन बाई सिक्सटीन ये सेम है क्या बताओ है या नहीं yes. तो आप मुझे बताओ 10 plus 16 divided by 16 and 5 plus 8 प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई कि नहीं yes. तो बताओ टेन प्लस एंड थर्टीन बाय एट ये दोनों तो सेम ही है ना यार 26 सिक्स बाय सिक्सटीन एंड थर्टीन बाय एट ये सेम है कि नहीं yes. बट ये जो आया 26 सिक्स बायसटीन इज इट इक्वल टू टेन बाय सिक्सटीन नो करेक्ट है इट इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी तो मैंने क्या बोला इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे बोलो ए प्लस बी डिडेड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है नाम पता रहेगा आपको क्या बोला जाता है कंपोनेंडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कंपोनेंडो लिख के ले रहे हो क्या बेप प्रूफ के साथ लिख रहे हो क्या कैसे डिराइव किया वो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कंपोनेंडो तो क्या अगर कोई बोल रहा है भाई क्या होता है कंपोनेटो तो आप क्या बोलोगे इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी देन ए प्लस बी बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है कंपोनेंडो याद रहेगा बच्चों फोर्थ अब वापस इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी ये तो हर जगह पे था ही एंड कब रहता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन तभी ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन ध्यान है सबका ओके okay. अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोलो बोथ साइड्स दोनों साइड से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा ए बाय बी माइनस वन इज इक्वल टू सी बाय डी माइनस वन डू यू एग्री तो बोलो इट इज बोलो मेरे भाई ए माइनस बी डिवाइडेड by बी मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड by डी सी माइनस डी डिवाइड by डी अब एक काम करो डायरेक्ट इसके बाद में ये पढ़ो वो बीच का प्रूफ छोड़ दो समझा क्या आपको ये इफ ए is equal टू सी by डी देन ए माइनस बी डिवाइड by बी मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड by डी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा डिविडेंडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है डिविडेंडो इसका नाम है डिविडेंडो समझा बच्चों? ट था ये yes. ये फोर्थ प्रॉपर्टी था क्लियर है सबको ओके नेक्स्ट अच्छा वापस इफ से स्टार्ट करता हूं क्या था बोलो इफ बोलो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी कब रहता है ऐसे वेन डी आर इन प्रपोर्शन वेन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ऐसा कब रहता है वेन ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग yes. चलो मुझे बताओ एज पर कंपोनेंडो क्या था ए प्लस बी डिवाइड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी लेट से दिस वॉज इक्वेशन वन ए माइनस बी डिवाईड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाई टू दिस वॉज एज पर डिविडेंडो अब वही प्रॉपर्टी मैंने वापस लिखा है आप hmm. सुनो ध्यान से ध्यान दे रहे हो क्या yes. अब एक हम ऐसे करेंगे इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू करता हूं ध्यान दे रहे हो क्या इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू मतलब इक्वेशन वन का हैंड साइड इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड बाय इक्वेशन टू का राइट हैंड साइड तो ये क्या आता है बोलो बोलो c अच्छा बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड में b b कैंसिल हो जाएगा कि नहीं ये ऊपर चला जाएगा भी समझा आपको ये तो आंसर क्या आएगा देर फोर बोलो ए प्लस बी डिडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी तो ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं अब इसके बाद में वो प्रूफ जाने दो डायरेक्ट ये पढ़ा मैंने तो क्या होगा ये ध्यान दे रहे हो क्या इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन हां बोलो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोला जाता है बोलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आई होप यू आर गेटिंग दिस कितने प्रॉपर्टी थी क्या अभी तक बोलो पांच पहला कौन सा था इनवर्ट एंडो कुछ मुश्किल है बच्चों yes. चलो मुझे बताओ इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन मैं प्रॉपर्टी का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताओ कि वो प्रॉपर्टी क्या है yes. हर जगह पे मैं अब इफ ए बाई बीवल टू सी बाई डी बार बार नहीं बोलूंगा एक ही बार बोल बोलिए चलेगा इफ ए बाई इक्वल टू सी बाई डी इनवर्ट एंडो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाय सी अल्टरनेडो ए बाय सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाय डी कंपोनेंडो ए प्लस बी डिड बाई बी टू सी प्लस डी डिड बाई डी डिविडेंडो ए माइनस बी डिड बाई बी टू सी माइनस डी डिड बाई डी कंपोनेडो एंडो ए प्लस बी डिडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी ये होगा कंपोनेटो एंडो नेक्स्ट सिक्स ध्यान दे रहे हो क्या यहां पर चलो क्या लिखा हो आपस में इफ बोलो ए बायी इज इक्वल टू बोलो सी बाई डी इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी सब लोग अच्छे से ध्यान दो अभी यहां ओके okay? मैं एक एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दिखाता हूं इसको ध्यान दे रहे हो मुझे बताओ टेन डिवाइडेड बाय थ्री इज इट इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाय सिक्स ये दोनों इक्वल टू है क्या बताओ ये दोनों इक्वल टू है क्या टेन बाय सिक्स इज इक्वल टू टेन बाई सॉरी ट्वेंटी बाय सिक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री है क्या yes. है क्या yes. एक काम करो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करो तो क्या होता है ट्वेंटी प्लस टेन एंड टेलमी सिक्स प्लस थ्री तो ये आंसर जो आया है वो क्या है बोलो थर्टी बाय नाइन एंड टेलमी थर्टी बाय नाइन इज ऑल्सो इक्वल टू टेन बाई थ्री ओनली इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेंटी बाई सिक्स ओनली नहीं समझा आपको आर यू गेटिंग दिस

है क्या वन जीरो एट इस काम करो दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिक्स से डिवाइड करो देखो वापस एटीन इज फाइव आएगा कि नहीं आता है कि नहीं कुछ जा रहा है दिमाग में बच्चों न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड किया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दिया तो रेशियो तो ये दो एग्जाम्पल कुछ थोड़े बहुत गए कि दिमाग में गए क्या दिमाग में पक्का बचो अच्छा एक काम करो मुझे बताओ थर्टी बाई बाय बाग्रीवल इज इक्वल टू कैन आई से थर्टी प्लस सिक्सटी डिवाइडेड बाय बोलो एटी प्लस yes. मुझे बताओ थर्टी बाय थर्टी प्लस सिक्सटी क्या आता है नाइनटी डिवाइडेड बाय टू फोर्टी एंड नाइनटी डिटे टू फोर्टी का सिंपलेस्ट फॉर्म अभी भी थ्री टू एट है ही थ्री टू सिंपलेस्ट फॉर्म थ्री एट है, yes. है yes. समझा क्या बताओ yes. तो आप बताओ इसके बेसिस पे अभी जो मैंने लिखा है यहां पे ध्यान दे रहे हो सब लोग yes. मुझे बताओ इफ ए बाई बी टू सी बाई डी देन मैंने ऐसे लिखा तो आप एग्री करते हो क्या इसके ऊपर C by D must be equal to A plus C divided by B plus D. इस प्रॉपर्टी का नाम है बोलो क्या है ये नहीं पता है इस प्रॉपर्टी का नाम है एडेंडो क्या नाम इसका प्रॉपर्टी का एडेंडो पता देखो आधा अधूरा इज हार्मफुल समझता है क्या एंड सी ए में दो टाइप के रिजल्ट रहते हैं एक पास एंड दूसरा फेल थोड़ा सा पास ऐसे कुछ होता नहीं या थोड़ा फेल ऐसा कुछ होता नहीं है समझता है क्या आपको ये मैं थोड़े में गया मतलब क्या है फेल जो 40 मार्क्स से पीछे रह गया वो क्या है फेल जिसको दो मार्क मिले वो क्या है फेल जिसको 49 मार्क्स मिले वो क्या है फेल फेल ही फोर्टी नाइन पर एग्रीगेट समझ है कि नहीं आपको ये आर गेटिंग दिस एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं समझ रहे ना समझा क्या आपको ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है एडेंडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है एडेंडो क्या है एडेंडो फिर बोलो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इफ ए बाई इक्वल टू सी बाई डी देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी एंड देखो बच्चों यहां पे सिक्स प्रॉपर्टी में पहली बार ऐसे आया कि जो अभी नया रेशो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस डी इट इज इक्वल टू ए बाई बी ओनली इट इज इक्वल टू ए बाई बी ओनली इज दैट क्लियर

डिस्पैच चालू कर दिया है यहाँ पे सब कुछ हो चुका है ये प्रिंट जो ऑफलाइन बच्चे उनको हमने इशू कर दिया है बाकी लोगों को भी मिल जाएगा फटक से ओके okay? चलो ध्यान दे रहे हो सब लोग यहाँ पे yeah. मुझे बताओ वापस पहला सेंटेंस क्या था बोलो इफ, बोलो इफ ए बाय बाय बी इज इक्वल टू सी डी थोड़ा ध्यान दोगे यहां पे yeah. हाँ चलो ध्यान दो प्लीज आप मुझे बताओ सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व बाय ट्वेल्व सही है क्या डिवाइडेड बाय बाई टेल मी माई फ्रेंड्स ज इट ऑल्सो इक्वल टू फोर्टीन या तो एक काम करो इज इट ऑल्सो सेवनटी डिवाइड बाई फिफ्टीन कर देता हूँ थ्री डो यू एग्री इज इट ऑल्सो इक्वल टू फोर्टीन डिवाइड बाई थ्री ये है क्या बताओ मुझे सही है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सुनो ध्यान से सेवनटी माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन माइनस थ्री अच्छा सेवनटी माइनस फोर्टीन क्या आता है बताओ बोलो क्या आता है फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टीन माइनस थ्री क्या आता है बोलो ट्वेल्वी सिक्स इज टू सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बताओ क्या आता है बोलो 14 yes. आएगा कि नहीं yes. अरे दोनों को फोर से डिवाइड करो आप फोर्टीन इंटू थ्री आएगा कि नहीं yes. तो इट इज इक्वल टू दैट ओरिजिनल रेशियो इट और नॉट इट इज इक्वल टू ओरिजिनल रेशो इट सेल फर नॉट अच्छा ऐसा ही मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको आपके नंबर कुछ ट्राई करना है तो बताओ आप कोई भी एक रेशो बताओ मुझे हाँ चलो तुम बताओ बेटा कोई भी एक रेशो बताओ ट्वेंटी अच्छा ट्वेंटी माइनस फोर डिवाइड बाई फाइव माइनस वन तो ट्वेंटी माइनस फोर क्या आया सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर देखो ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म फोर इंस टू वन है सबका सिंपलेस्ट फॉर्म फोर इज टू वन है कुछ गया क्या दिमाग में yes. तो अब बताओ इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी पढ़ रहे क्या सब लोग इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इफ ए बाई इक्वल टू सी बाई डी देन हाँ बोलो क्या रहेगा आप बताओ मुझे ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाई डी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी डू यू एग्री इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी माइनस बी सही है क्या कुछ न्यूमरेटर डिनोमीटर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया यार? अरे A -B को A -C को -1 से मल्टीप्लाई किया तो C आता है बोला जाता है सप्ट्रेडो समझता है आपको ये आइडेंडो एंड दिस प्रॉपर्टी एज सप्ट्रेडो तो कितने प्रॉपर्टी सी के हम प्रोपोर्शन के बोलो सेवन प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से इसमें से पांच प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा बहुत पहले पता रहेंगे बट कुछ वैल्यू एडिशन है कि नहीं मैं इसलिए आपको डे नंबर वन से बोल रहा हूं कि भाई सब कुछ बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है क्या होता है हम लोग थोड़ा 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 करते पॉइंट पे छोड़ देते हैं एंड जिस पॉइंट पे तुम छोड़ते हो ना उसके आगे का क्वेश्चन एग्जाम में आता है समझता है क्या पेपर सेटर जो रहता है ना दुनिया का एक्सपीरियंस रहता है उसको सब मालूम रहता है स्टूडेंट की नस नस मालूम रहती है उसको समझता है क्या कहा तक स्टूडेंट पढ़ता है कहां पे छोड़ देता है सब मालूम रहता है समझता है क्या आर गेटिंग दिस एंड ऊपर से ना बच्चों मेरे जैसे कमी लोग पेपर सेट करते हैं <laughs> आपको मेरा चेहरा देख के लगता होगा कि नहीं कोमीना आदमी है करके <laughs> ऐसा लगता होगा ना थोड़ा <laughs> कोमीना ये <ही> है।, <laughs> है कि नहीं मेरे जैसे भी लोग पेपर सेट करते हैं आजकल समझता है कि नहीं आपको थोड़ा राइट ऑनलाइन वालों को तो फील पक्का ही आता रहेगा ये तो साउथ इंडिया का विलन दिख रहा है बराबर है कि नहीं

आर सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन याद रहेगा yes. आपने सब लिख के लिया yes. एक काम करते हैं मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं और ये सब सेवन प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे लिखेंगे कॉम्पैक्ट चलेगा क्या रिविजन के लिए काम में आएगा नहीं yes. लिखेंगे यस yes. yes? yes. ऐसे देखते हैं मेरे पास कुछ yes. भाई अच्छा लिखने को बहुत बोर होता है क्या yes. नहीं तो फिर अगर लिखने को बोर होता है तो देखो आपके जो प्रिंटेड नोट्स है इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये कहाँ मिलेगा देखना है आपको ये एक काम करो पेज नंबर फाइव पे आ जाओ जिसके पास नोट्स है पेज नंबर फाइव पे अच्छा जो लोग ऑनलाइन है दो मिनट आप थोड़ा पेशेंस रखना मेरे भाई नोट्स नहीं है तो पेज नंबर थर्टी पे आ गए क्या आप लोग वहां पे दिखा क्या देखो इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन पेज नंबर फाइव पे थर्टीएथ पॉइंट दिखा कि नहीं अच्छा इसका आंसर कहां रहेगा वो दूसरे वाले बुक में समझा या नहीं तो ये आप लिखोगे तो आपका फायदा होगा कि नहीं बट इसके पहले अगर आप नोटबुक कंप्लीट करोगे तो फायदा होगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा कुछ लोग बोलते रहेंगे भाई कुछ भी मत बोलते यार इधर ऑलरेडी मरे हुए हम लोग है कि नहीं थक गए ना बहुत जिंदगी में बहुत पढ़े यार टेंथ को ट्वेल्थ में इतना सब कुछ हो गया है ना है नहीं क्या हुआ भाई उधर हेलो इधर इधर टीचर इधर है भाई क्या हो गया बुक ओके चलो ध्यान दे रहे सब लोग यहां पे राइट इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर इन प्रपोर्शन आर इन प्रपोर्शन कैन आई से दैट इज पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय बायस दैट इज पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा आर बाय बायस देन ये हेडिंग है समझा बच्चों देन अब इसके नीचे मैं सीधा सीधा बैक टू बैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्रॉपर्टीज लिखूंगा देन समझा के आपको है? चलो बोलो वन क्यू बाय पी मस्ट बी इक्वल टू एस बाय आर बट वेदर पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पी ऐसे बोला है मैंने कहीं yes. नहीं ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ इनवर्ट एंडो इसका नाम क्या है इनवर्टेंडो अच्छा एक काम करो इसके बाद डायरेक्ट मुझे एडेंडो बताओ एडेंडो हाँ बोलो पी बाय क्यू मस्ट भी इक्वल टू आर बाय मस्ट बी इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइडेड बाय क्यू प्लस है तो देखो ये एडेंडो एक पहला प्रॉपर्टी था सब ट्रेंडो दूसरा था जहां पे जो भी नया रेशो आने वाला है P Q yes no. इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है बोलो एडेंडो सही है तीसरा हाँ बोलो पी बाय क्यू मस्ट बी इक्वल टू बोलो आर बाय मस्ट बी इक्वल टू P माइनस आर डिवाइडेड बाय Q माइनस एस मस्ट बी इक्वल टू आर माइनस पी डिवाइडेड बाय एस माइनस क्यू यह सिर्फ आपके रेफरेंस के लिखा लिखा समझा क्या न्यूमरेटर डिनोमेटर को माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है सप्ट्रेडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा सप्ट्रेहेंडो आई होप दिस इज क्लियर तीन प्रॉपर्टीज हो गए फोर्थ बोलो अल्टरेंडो बताओ अभी बोलो P बाय आर मस्ट बी इक्वल टू क्यू बायस इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा अल्टरनेंडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा अल्टरनेंडो आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट फिफ्थ बोलो P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय Q मस्ट बी इक्वल टू R प्लस एस डिवाइड बाई एस क्या रहेगा ये yes. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कंपोनेंडो yes. याद रहेगा ये कंपोनेंडो yes. हम हाँ चलो नेक्स्ट सिक्स बोलो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय q मस्ट बी इक्वल टू r माइनस एस डिवाइडेड बाय s इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है डिविडेंडो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिविडेंडो सही है क्या एंड सेवंथ बोलो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू मस्ट बी इक्वल टू r प्लस एस डिवाइडेड बाय आर माइनस एस इसको क्या बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो याद रहेगा क्या बच्चों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो ये ऑल प्रॉपर ऑल सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन हमने एक जगह पे लिख दिए ऑल सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन वी हैव रिटर्न एट वन प्लेस

आप भी बोलो मुझे अच्छे हो सर आप भी अच्छे हो करके तो मैं इतना बोला आपको अच्छे हो तो यार रिटर्न में बोलने का ना कुछ तो यस वो बोला करो भाई है कि नहीं चलो करे कंटिन्यू ओके इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी मतलब एबीसीडी प्रोपोर्शन में है एक मिनट ध्यान दोगे क्या बच्चों एज पर एड ए बाय

था समझ में आ रहा है कि आपको ये अरे दोनों एवरीथिंग इक्वल टू ओनली ना yeah. देखो by by yeah. D, uh, yeah. तो समझ में आ रहा है, कि आपको है? ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का नाम नहीं है इसको बट तुम चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो एड एंडो एंड सब ये दोनों मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बना दिया मैंने एड एंड एंड सब ट अगर आपको कोई बोलेगा कि हाउ मेनी रूल आधे तो कहीं पे भी आपको बुक में स्टैंडर्ड सेवन ही मिलेंगे दिमाग में अल्टीमेटली दोनों एवरीथिंग वॉज इक्वल टू ए बाय ओनली एवरीथिंग वॉज इक्वल टू ए बाय ओनली इज दट क्लियर समझा क्या आपको यह एड एंड एंड सब ट्रेहेंडो एकदम क्लैरिटी से समझा क्या yes. पक्का यस yes. yes. कर दो ये पे चेंज ये लिखा क्या आपने चलो मैं आज एक के आज एक एग्जाम्पल लेता हूं कुछ लोगों को आया तो बहुत ठीक अच्छा है नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है कल तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे एंड कल कर ये प्रोपोर्शन कंप्लीट करके हम लोग लो लॉगे में एंटर होने वाले कहाँ पे लॉगे में एंड ऑब्वियसली फिर लॉगरिथम्स से तो सब लोग वापस ऐत पारे आ ही गए हैं ना करेक्ट तो किसी ने इसके पहले का छोड़ दिया है, तो वो लेक्चर करो इनफैक्ट जो लोग पांच जून से कर रहे हो सकता है कि उसमें से भी एक दिन कोई एबसेंट था कोई एक दिन छोड़ दिया था तो कंप्लीट क्या करो अपना बैकलॉग आपको एसपीसी प्राइम का भी एक्सेस रहता है ना उस पर भी सारे लेक्चर्स रहते हैं है या नहीं कंप्लीट क्या करो सारे लेक्चर्स समझता है क्या बच्चों राइट लेक्चर में कोई बैकलॉग नहीं चाहिए चलो फिर करें कंटिन्यू बच्चों हम लोग ओके एक क्वेश्चन देता हूं हम सब लोग सॉल्व करेंगे आज का लेक्चर खत्म फिर इफ ए बाय सेवन इज इक्वल टू बी बाय एट इज इक्वल टू सी बाय थर्टीन फाइन दैल्यू ऑफ फाइंड दैल्यू ऑफ टेन ए प्लस सिक्सटीन बी माइनस थ्री सी डिवाइडेड बाय टू बी इसका वैल्यू फाइन करना है ओके चलो आप सॉल्व करने वाले हो मैं करूं मैं करूं क्या बात कर रहे हो मुझे करना है ये सॉल्व ओके चलो तो मैं आपको दो तरीके से बताता हूं मुझे क्वेश्चन चलेगा क्या दो तरीके से जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में या बाद में कर लेना चलेगा क्या मैं आपको दो तरीके से इसका सोल्यूशन बताऊंगा जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी एक बार क्वेश्चन लिख के दो इफ ए बाय सेवन इज इक्वल टू क्या है बोलो बी बाय एट इज इक्वल टू सी बाय थर्टीन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आप तो बोले थे ना यार पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ करके मुझे तो लगा कि धाड़ धाड़ धाढ़ धार क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप नहीं अच्छा सिर्फ क्लास में ऐसा बैठे थे बस हाँ ये नहीं हुआ था हाँ बात करते समझता है गुई 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 करते तुम तो में से कुछ लोग तो ऐसा है कि जिनको क्या बात करे वो भी नहीं समझता है, है कि नहीं उनको पूरा कन्फ्यूजन ही है तुमने वो ऐसा मच्छर देखा है क्या मच्छर जो सिर्फ गुई 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 गई करता है काटता भी नहीं और जाता भी नहीं देखा है क्या ऐसे कुछ लोग तुम तो में से ऐसे कुछ बोलते भी नहीं एंड चुप भी नहीं बैठते करते रहते आता है या नहीं आता है ऐसा देखते मतलब वो आएगा आता, आता है ये भी नहीं बताएगा नहीं आता है ये भी नहीं बताएगा चलो ध्यान दो यहां पे दो तरीके से मैं इसका आंसर बताता हूं जो आपको अच्छा लगे वो कंटिन्यू करें ओके बच्चों चलो मुझे बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में ए बाय सेवन इज इक्वल टू बी बाय एट इज इक्वल टू सी बाय थर्टीन ऐसा दिया हुआ है दिया हुआ है कि नहीं yeah. अच्छा मुझे बताओ ये ए बाय सेवन जो है इसको मैं टेन ए बाय सेवन लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ yeah. नहीं न्यूमरेटर डिनोमेटर को किससे मल्टीप्लाई किया टेन yeah. से yeah. सही है क्या yeah. अच्छा ये जो बी बाय है इसको मैं सिक्सटीन बी डिटीन एट सा कितना आता है वन ट्वेंटी एट ऐसे लिखा तो चलता है क्या सिक्सटी एसा वन ट्वेंटी एट सही है ना yeah. नहीं समझा आपको yeah. अरे सिक्सटी बी बाय ट्वेंटी मतलब क्या बी बाई एट ही हुआ ना थ्री सी बाय थर्टी नाइन ऐसे लिखा तो चलता है क्या बताओ yeah. चलता है क्या yeah. पक्का yeah. अच्छा अब बताओ मुझे टेन ए डिवाइडेड बाय सेवनटी वॉज इक्वल टू हां बोलो सिक्सटीन बी बाय वन ट्वेंटी एट ये ऊपर आया है कि नहीं एक काम करो इस पे करो, to, का by, हाँ पर एडेंडो अप्लाई करो इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ टेन ए प्लस सिक्सटीन बी डिडेड बाय हां बोलो वन ट्वेंटी एट पर सेवन 198. नहीं समझा आपको? Numerator, numerator, किया, denominator, denominator, किया, कौन किया? कौन सा अच्छा एक काम करो, by 70 was equal to 3C by 19? था कि नहीं? तो मैं इसी में is equal to 3C by 19 लिखता हूं कोई प्रॉब्लम है आपको अरे इधर अरेड में टेन ए बाई 70 है ही ना समझा क्या अच्छा बताओ अभी ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो अभी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं एंड इस पर तुम सब अप्लाई कर सकते हो क्या कर सकते हो क्या yeah. बोलो इधर लेफ्ट हैंड साइड वापस में टेन ए बाय सेवेंटी वही लिखता हूँ चलेगा क्या सिक्सटीन बी बाय ट्वेंटी एट लिख देता हूँ चलेगा क्या इज इक्वल टू हां बोलो टेन ए प्लस सिक्सटीन बी माइनस थ्री सी डिवाइडेड बाय वन नाइनटी एट माइनस थर्टी नाइन नाइनटी एट माइनस थर्टी नाइन कितना था वन फिफ्टी नाइन ये अभी जो मैंने लिखा ये प्रूव किया है कि नहीं बच्चों बताओ आप मुझे ये प्रूव हुआ कि नहीं बताओ अभी काम करो दिस इज इक्वल टू दिस ये है या नहीं है ये सिर्फ मैं नीचे अलग से लिख लेता हूँ देयर फोर हाँ बोलो क्या था ये? जल्दी बताओ टेन ए प्लस सिक्सटीन बी माइनस थ्री सी डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी नाइन टू हाँ क्या था बोलो 16b एट सिक्सटीन बी बाय ट्वेंटी एट था कि नहीं इसको मैं बी डिवाइडेड बाय एट करता हूं पर. चलेगा क्या चलता है क्या इसको मैं टू बी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन करता हूं चलेगा क्या चलेगा क्या, चलेगा क्या? अब सिर्फ दिस इज इक्वल टू दिस इतना देखना देख रहे हो क्या आप एंड yeah. बताओ मुझे टेन ए प्लस सिक्सटीन बी माइनस थ्री सी डिवाइडेड बाय टू बी डिवाइडेड बाय बोलो टू बी इज इक्वल टू वन फिफ्टी नाइन बाय सिक्सटीन ये आंसर है कि नहीं बताओ yeah. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना क्वेश्चन है, yeah. है यानी हाँ, कर ये एक तरीका बताया ना मैंने अभी तक मैंने कुछ ये थोड़ी बोला कि द क्वेश्चन मैंने ये जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं बताओ और कैसे सॉल्व हो सकता है अच्छा ये समझा क्या बताओ yes. ये कैसे सॉल्व किया हमने करके yes. क्या करके बट yes. अब इसका दूसरा इजियर तरीका ये था मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था ए बाय सेवन इज इक्वल टू बी बाय एट इजिकल टू सी बाय थर्टीन एक मान लेते कि हम इजिकल टू के है समझो इजिकल टू क्या है एट के सी इजिकल टू क्या थर्टीन के डू यू एग्री सी थर्टीन के है कि नहीं अब मुझे एक काम करो क्वेश्चन बताओ क्या था जल्दी बताओ टेन ए प्लस सिक्सटीन बी माइनस थ्री सी हुआ ट्वेंटी एट माइनस थ्री सी सी क्या है 13k तो इज इट थर्टी नाइन के डिवाइड b टू बी बी क्या है 8k तो तो आंसर क्या हुआ 16k तो करो न्यूमरेटर में 128 ट्वेंटी एट प्लस सेवनटी माइनस थर्टी नाइन कितना था वन फिफ्टी नाइन के डिवाइडेड बाई सी नाइन बाय सिक्सटीन के कैंसिल हुआ समझा क्या कुछ लोग बोलेगा नहीं सर आपने के तो क्यों लिया एजिकल टू सेवन लो टू एट लो सी थर्टीन लो ये तो डिनोमिनेटर में भी भी हो, के के कैंसिल होने था इसलिए बट आप बताओ ए बाई सेवन ए बाई सेवन इजिकल टू बी बाईट राइट एज इकोल टू सेवन समझ है क्या आपको ये बाय चांस टैली होता रहेगा यहां पे बट आपको ए बाय सेवन इजिकल टू बी बायल टू सी बाय थर्टीन इजिकल टू के लिया मैंने तो एज सेवन के बी इज एट के सी इज थर्टीन के यही सबसे अच्छा कंसेप्ट है समझता है क्या आपको ये कौन सा बेटर लगा पहला वाला या सेकंड वाला सेकंड yes. वाला कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड कभी भी बेटर है बट आपको प्रॉपर्टी समझे क्या, yes. क्या, yes. 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 आप क्या करना है वो, में तो अपन तो जो राइट हैंड साइड में लिखा है वही यूज करेंगे समझा क्या बट एटलीस्ट तुम्हारे नोटबुक में दोनों रहने दो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझा बच्चो टेंशन आया क्या मैथ्स में ये लास्ट क्वेश्चन से टेंशन आया रहेगा थोड़ा है ना नहीं एग्जाम में अपन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना फिर थ्री प्लस फाइव इज हाउ मच एक मार्क एट माइनस वन इज हाउ मच उसमें भी कंफ्यूजन करेंगे कुछ लोग समझा सबको ये इतना लिख के लो एंड आज का लेक्चर खत्म जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं वापस बताऊंगा कि आप पूरा ध्यान दिया करो लेक्चर पे, पढ़ाई के रिलेटेड कमेंट्स क्या करो यस yes, बच्चो चलो फिर चलिए <coughs> सॉफ्टवेयर yeah. अगर आपने लिख दिया है तो चलिए सॉफ्टवेयर फॉर द डे चलो बच्चों फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे चलिए सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छे से बोला करो कुछ तो यस yeah. yes. चलो थैंक यू बच्चों